जहांगीर तरीन का सरकारी इजलासों की सदारत करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उमर शाकिर से मजीद जान लेते हैं। जी उमर शाकिर, मुकामी वकील सलीम एडवोकेट ने ये आईनी दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें जहांगीर तरीन का सरकारी इजलासों की सदारत करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था। यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख कल इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस दरख्वास्त में वकील ने मौकफ इख्तियार किया है कि पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने बददियानत और बेईमान करार दिया है। ताहम बददियानत होने के बावजूद जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हुकूमती इजलासों की सदारत की। दरख्वास्त में कहा गया है कि नाअहल जहांगीर तरीन ने हुकूमती इजलासों के दौरान ब्रीफिंग ली और अहकाम जारी किए। इस दरख्वास्त में इस्तदआ की है कि अदालत जहांगीर तरीन पर हुकूमती इजलासों की सदारत। शुक्रिया उमर शाकिर आपका।